लेकिन शुरुआत इस समय की एक बड़ी खबर से हम करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। ये रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई खबर है। पुतिन और जेलेंस्की में बातचीत हो सकती है। आज दरअसल इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हो रही थी, जिसके बाद यूक्रेन के तेवर कुछ नरम पड़ने के संकेत मिले और ये इशारे भी निकल कर आए कि मुमकिन है पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बात करें। रूस के मुख्य वार्ताकार का एक बयान भी आया, रूस के मुख्य वार्ताकार मेंडिस्की, जिनका बयान रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी एक अहम खबर लेकर आया है।